विदाई होने जा रही है। हम अभी सो के उठे हैं, जस्ट सो गए थे और अचानक रोने की आवाज़ आई तो हमें लगा कि हाँ विदाई होने वाली है, तो हम जग गए और देखा तो सच में विदाई हो रही थी। वर्षा बहुत रो रही है, बाकी लोग भी रो रहे हैं, सब कोई चुप हो नहीं सकता है। जब दुल्हन रोती है तो सबको रोना आ ही जाता है, तो एक बहुत मतलब अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं, दोनों एक कह सकते हैं। आप लोग कैसा माहौल है आप समझ ही सकते हैं, सबको रोना आ ही जाता है इस समय, कोई कितना भी सख्त क्यों ना हो रो ही देता है। चलेंगे ना कोई अब जा रही है वर्षा यहाँ से। चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाया है, हम लोग चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं अभी। बच्चों ने कहा कि हमें चिड़ियाघर घूमना है, तो सबको ही साथ में हम लोग चल निकले हैं चिड़ियाघर घूमने, और यहाँ एक से एक जानवर हम लोग को देखने को मिलेंगे। आप भी देखिएगा चिड़ियाघर में हर जो जानवर दिखा है उसको हम लोगों ने कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल में। ये क्या है? वो क्या है बाबू? बुला बुला। अब आगे बढ़ा। क्या है? शेर नहीं है। बाघ है। बाघ।
तुम लाए हो उसके लिए कुछ ना खाने के लिए? नहीं यार, देना भी मना है। इसमें एक गोल्डन है, इसमें अंडा है। हाँ वो यार जन समझा तुम्हें। गोल्डन फिजेंट शुतुरमुर्ग है। ये जिया जी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मॉर्निंग टाइम में उनका एक्सरसाइज टाइम होता है। तो चिड़ियाघर में आके ये अपना नया एक करिश्मा कर दिखा रहे हैं सबको। आपको एक नया चिड़िया दिखाते हैं, ये देखिए, ये विशेष प्रकार की चिड़िया है। हाथी को देखने के लिए हम लोग कितना दूर तक सफ़र किए हैं सिर्फ इस हाथी को देखने के लिए, जो कि हर जगह दिख जाता है। आखिर हम लोग हाथी देख लिए। हाँ दूसरा चीज है हम कुछ होते पागल बड़का को पटना वाला नहीं पटना चिड़ियाघर से अब हम लोग निकल रहे हैं और सब कोई थक गए, फोटोशूट भी हो गया, मम्मी पापा जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, थक गए हैं बहुत, ज़्यादा घूम लिए ना, ज़्यादा चल लिए, लेकिन उनका तो मॉर्निंग वॉक था फिर भी थक गए, आफ्टरनून वॉक हो गया है। थके हुए आदमी को देख रही, ये है बुढ़ापे के सारे दूर। आने दो उसके बाद।